गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। वैसे मैं सी फूड के ऊपर 3 एपिसोड बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके वो चेकआउट कर लो। और आज बनाने वाला हूँ मैं एपिसोड 4। एक्चुअली मैं अभी हूँ ओल्ड दीघा बीच में और दीघा बीच आ रहा हूँ, कहीं सी बीच घूमने आ रहा हूँ। सी फूड ना खाओ ये हो नहीं सकता। और दीघा सी बीच में क्या क्या सी फूड मिलेगा, प्राइस कितने का मिलेगा, कहाँ कहाँ लगता है, सब चीज़ मैं बताऊँगा, सब चीज़ दिखाऊँगा और दीघा का नाइट व्यू भी दिखाऊँगा। सो ओवरऑल आपको क्या करना है, ब्लॉग में बने रहना है और फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये ब्लॉग शेयर करना है। अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े तो फटाफट जुड़ जाओ। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे को फेसबुक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फटाफट इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करो एंड दीघा ब्लॉग एंजॉय करो, बाकी सी फूड एंजॉय करो। सी फूड वैसी है ओल्ड दीघा का मेन रोड और मैं इधर पार्किंग में हूँ। अभी लाली को पार्क किया यहाँ पर। यहाँ पे लोकल से कोई आ रहे हो तो पार्किंग अवेलेबल है, नहीं तो अगर कोई दूर दूर से आ रहे हो तो अपना होटल के नीचे तो पार्किंग अवेलेबल होगा। और ये इस साइड वाओ मोमो है, थोड़ा लाइट कम करता हूँ और बीच साइड चलते हैं, फिर बीच साइड जाके दिखाता हूँ। सो लेट गाइस, ये ओल्ड दीघा का एंट्री गेट है। जैसे एंट्री करोगे आप लोगों को यहाँ पे खिलौने मिल जाएंगे, मतलब अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो गाड़ी वगैरह घुमाएंगे। 100 रुपीज़ लेते, बाकी थोड़ा बार्गेनिंग कर लेना आप अपने हिसाब से। और जिस साइड ही देखो बीच साइड में शॉप ही शॉप है और हमारा काम है ढूंढना सी फूड स्टॉल, तो सी फूड ढूंढते हैं। चिंगड़ी कत हो रे, कत हो रे, पपिस अरे छोटो गुलो एगुलो सो गाइस, पहला स्टॉल में मैंने पता किया प्रॉन 50 रुपीज में 3 पीस दे रहे थे और भोला भेट की जो फिश है वो बंगाली लोग समझ सकते हैं, उसमें 60-80 रुपीज़ पर पीस बोल रहे थे। बाकी हम लोग आगे चलते हैं, आगे और भी काफ़ी सारे स्टॉल हैं, सिर्फ एक सी फूड का स्टॉल नहीं है, कम से कम 50 मिल जाएंगे आपको। और ये जो है बिल्कुल मेन रोड में, मेन रोड क्या बोलते हैं, इसके बीच साइड में है। और ये वाला जो बर्गर और पिज़्ज़ा का नया दुकान दिखा वो कभी ट्राई करूँगा, बाकी दूसरे स्टॉल देखते हैं अभी। আর এটা পমফ্লেট 80 টাকা 60 টাকা 60 টাকা ছোট গুলো আর চিংড়ি প্লেট চিংড়ি এটা 650 450 15 খানা এটা কত কত বললে 150 এটা কি মাছ গো কত কত এটা 60 টাকা 60 টাকা ইয়া কি হতো আরে सो सी फूड लवर, आपको तो सुन के समझ आ गया होगा प्राइस क्या बोले थे, 60-80-50 सब के सब बोल रहे थे। बाकी मैं थोड़ा सा बाहर साइड आया था, यहाँ पे दो माँ, मतलब एक माँ और एक बेटे बैठ के कुछ बना रहे थे, ड्राइंग्स वगैरह सब देख रहे। बाकी मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके देखते हैं और एक दो सी फूड का स्टॉल, क्योंकि दो स्टॉल देखे हैं मैंने, उसके बाद और भी दिख, इधर काफ़ी स्टॉल मिल जाएगा आपको काफ़ी। तो आगे चल के और कुछ सी फूड के स्टॉल देखते हैं और वहाँ पर पता करते हैं क्या प्राइस है क्या नहीं। और इस साइड थोड़ा सस्ता नहीं मिलेगा आपको, इस साइड वही 50-60-80 में मिल जाएगा, बाकी आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए। और ये जो लेन देख रहे हो ये भी ओल्ड दीघा में ही है, ओल्ड दीघा में जितना घूमोगे मतलब लेन पे आगे जाते रहोगे तो काफ़ी सारे स्टॉल दिखेंगे। इस साइड भी सी फूड का स्टॉल है, टैटू है, फिर लाबली मोमो है। एक बार लाबली मोमो में ट्राई किया था, बहुत बेकार मोमो बनाया था इन्होंने। और ये फिश जो शॉप है यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर ऑक्टोपस वगैरह सब मिलता है। और आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा काफ़ी शॉप है, ये बैलून वगैरह फोड़ते, मतलब लाइक एंटरटेनमेंट के लिए पूरा मस्त जगह है दीघा। गोवा नहीं जा सकते हो, गोवा के जगह दीघा आप प्लान कर सकते हो। बाकी ये छोटी बच्ची को देखो गाड़ी में घूम रही है, बहुत मज़ा आ रहा है देख के, मुझे तो मज़ा आया, आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी चलो आगे चलते हैं और 2-3 सी फूड स्टॉल में पता करते हैं उनका प्राइस क्या है सी फूड का।
কাঁকড়া কত করে? सो गाइस स्क्रैप कह रहे हैं 100 का, ये 40 का और ये 15 पीस 50 रुपये, ये 3 पीस 100 रुपये। तो मैंने ये लिया, पापड़ ट्राई करूँगा 40 रुपीज़ का, क्योंकि ये सब मैं खा चुका हूँ। बाकी इस पर ऑक्टोपस वगैरह सब कुछ है। ये वाला जो टॉयलेट लिखा हुआ है उसके पास ये वाले शॉप है, तो थोड़ा सा गली वगैरह में खाओगे तो थोड़ा सा सस्ते में मिलेगा। बाकी 40 का कह रहे हैं फ्रेश है। अभी मैं आ जाए एक बार कासौंदी के साथ लूँगा, खा के टेस्ट करके बताता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे नहीं, बहुत दिनों बाद टेस्ट करूँगा वैसे। और ये पम्फलेट वगैरह 80, 60, 50 ऐसे ही सब मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा बार्गेनिंग करना आना चाहिए तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। बाकी देखो मेरा वाला वो फ्राई हो रहा है फिश, जैसे आ जाए फिर मैं खा के बताता हूँ कैसे कैसे नहीं। ये मेरा आ चुका है, ये देखो ये सामने ही दुकान है, भीड़ लगी हुई है थोड़ा बहुत। पापड़ आ चुका है 40 का है, बाकी मैं ट्राई करके देखता हूँ एक बार। वैसे देख के तो अच्छा ही लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, अभी ट्राई करके देखते हैं फ्रेश है नहीं है और कैसा लग रहा है टेस्ट खाने में। इतना सा ट्राई किया, एक्चुअली ऊपर के जो पार्ट है वो बेसन से फ्राई किया हुआ है और अभी तक थोड़ा सा है फ्रेश तो लगा। बाकी ये ख़त्म करके फिर मिलता हूँ आप लोगों से। सो गाइस इन अंकल आंटी का जितना ही तारीफ करूँ उतना ही कम है, क्योंकि मैंने जो ट्राई किया ना वो पापड़ा इतना फ्रेश था और इतनी टेस्टी थी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं बता नहीं सकता। उसके बाद इनके पास ऑक्टोपस भी अवेलेबल है जो 150 का है, और अंकल आंटी को मैंने थैंक यू बोला। बाकी आप लोग इस लोकेशन और अंकल आंटी का फेस याद कर लो, यहाँ के ट्राई करना। सो ऑलराइट गाइस, अभी जो अंकल आंटी को मैंने लास्ट क्लिप में दिखाया, मतलब जिनके पास जाके मैंने सी फूड ट्राई किया, सही बताओ ना मुझे लगा था फ्रेश नहीं होगा, फिर इतना फ्रेश था और इतना टेस्टी बना के दिया था ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। मैं तारीफ़ कर रहा था उनके मुंह पर कि आपके लाइक सी फूड बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी भी थे और मुझे पॉकेट फ्रेंडली भी लगा। कि जो थोड़ा मेन साइड में बैठे होते, मतलब मेन रोड साइड में शॉप लगा के बैठे, वो थोड़ा महंगे ले रहे थे 10-20 रुपये, वहाँ पर सस्ते लगा मुझे 40 रुपीज़ में। तो मैंने ट्राई किया, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा गाइस। अभी मेरे साथ कोई है नहीं, अगर कोई साथ में रहता तो बैक से भी वो क्लिप दिखाता, लेकिन अब अकेला सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप लोग भी समझ जाया करो और थोड़ा प्यार दो, ब्लॉग देखो, थोड़ा शेयर करो। बाकी एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो यार कितना प्यारा चीज़ मैं तब से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा था, अब मैं दिखाता हूँ वो चीज़। सो गाइस ये ओल्ड दीघा है, ओल्ड दीघा का ये पार्क सा, ये तो बहुत पहले बना हुआ है, विश्व बांग्ला गेट, और गेट उस साइड है, ये विश्व बांग्ला बना हुआ है, गेट तो उधर है। बाकी ये बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, मतलब मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि बच्चे कितना खुश होकर खेल रहे हैं। सो गाइस ये ओल्ड दीघा के इस साइड है, मोहना के साइड जाओगे उस साइड दो मुझे स्टॉल दिखे सी फूड के, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा मुझे यहाँ पर। और यहाँ भी प्लेट वही दे रहे थे 20-30-50 रुपए, बड़े वाले फिश 50 रुपए, और वो प्रॉन्स जो होता है वो 10-15 पीस दे रहे थे 50 रुपए में प्लेट, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। उस साइड है आपके काफ़ी शॉप है, काफ़ी शॉप मिल जाएगा आपको सी फूड का। और एक कालू आ चुका है मेरे पास, कालू और यो मेरा बच्चा। सो लेट गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड 4 अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, थोड़ा प्यार दो, लाइक कर देना। गाइस अगर ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाना। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।